नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि जिंदगी के रंग तभी दिखाई देते हैं जब हम रोशनी में होते हैं। अंधेरे में तो सब काला ही दिखाई देता है, लेकिन अगर सोच ही अंधी हो तो अच्छे से अच्छा विचार भी जिंदगी में उजाला नहीं भर सकता। ओम रीम श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, 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 ओम हीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। जिसका जहरीला प्रकोप तेरे बेटे को डस गया, अब मेरा काला जादू उन्हें डसेगा। ले ये गुड़िया ले जा और अपने शत्रुओं के आंगन में गाड़ दे। एजेंसी आ गया कि तुम शादी में नहीं गए? हाँ, और विशुदा कहाँ है? विशुदा को मैं शादी के पंडाल के बाहर छोड़ा हूँ, वो आ जाएगी कल सुबह तक। अच्छा ठीक है, तुमको आने में कितना टाइम लगेगा? अरे बाबा मैं भी आ जाऊँगा 3-4 घंटे में, चिंता मत करो, तुम सो जाना ठीक है? ठीक है। हेलो, क्या लगते हैं इनके? जी मैं दिपेश, वो
मेरे दादा है, बड़े भाई सुखेंदु विश्वास, और वो मेरी बोधी है भाभी प्रोमिला विश्वास, और वो इनका सर्वेंट है गणेश। रात को तीनों यहीं पे थे। फैमिली में और कौन कौन है, बाकी सब लोग कहाँ थे? मैं तो अलग रहता हूँ। हाँ, वो उनकी बड़ी बेटी है विशोधा, और एक छोटी भी है शिरोबी, वो कोलकाता में है। आप कहाँ रहते हैं? इसी कॉलोनी में, थोड़ी दूरी पे। विशोधा जी, आप रात में कहाँ थी? हमारे रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, मैं वहीं गई हुई थी। आपके पेरेंट्स नहीं गए थे शादी में? माँ का शरीर खराब था, बाबा गए थे लेकिन उनको कुछ काम आ गया तो उन्होंने मुझे वहीं छोड़ दिया। जब मैं लौट रही थी तो चाचा का फोन आया था। जी, मुझे तो वो कनाई ने बताया था। कनाई कौन? दादा की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। सर, लगता है सारे मर्डर लूट के इरादे से किए गए हैं और सबको एक ही तरीके से मारा गया है। शायद किसी भारी चीज से वार किए गए हैं सबके सर पर। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, अब चमत्कारी है, आपकी सिद्धि से वो दोनों पति पत्नी मर गए। यही होता है काला जादू। आप तो इतने शक्तिशाली हैं, आप मुझे अपनी शिष्य बना लीजिए, मुझे भी काला जादू सीखना है। क्या? आप जो मांगोगे दूंगी, आप जो बोलोगे करूंगी, बस आप मुझे अपनी शिष्य बना लीजिए, मुझे भी काला जादू सिखा दीजिए। भूत प्रेत काला जादू, ये सब तो अंधविश्वास के हथकंडे हैं। हत्या तो इंसान ही इंसान की करता है। प्रमिला, सुकेंदु और उनके सर्वेंट गणेश की हत्या भी किसी काले जादू का नहीं, बल्कि किसी की काली नीयत का ही परिणाम थी। साहब, हम जब सुबह आया घर पे तो दरजा खुला हुआ था, अंदर आके देखा तो मालकिन सेठ जी और गणेश दादा मरे हुए थे, तो हमने उनके भाई को बताया। तुम तो सुकेंदु जी की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हो ना? जी। तो सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे थे? हम यहाँ रोज दूध देने के लिए और मालकिन की पूजा के लिए फूल देने के लिए आता है। रहते कहाँ हो तुम? हम यहीं पास में रहता है। बनर्जी, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। बाबा, 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 क्या हो गया आपको? सर, मैं विशुदा का हस्बैंड हूँ और ये उसकी छोटी बहन सुरभि। आप लोग भी कोलकाता में रहते थे? ना सर, मैं आसनसोल में ही रहता हूँ। सुरभि को पिक करने स्टेशन गया था। अब जो हम तुम्हें सिद्धि देने जा रहे हैं वो गुप्त है, तुम्हें बहुत तप करना पड़ेगा। जी बाबा जी, मैं सब करूंगी। बाबा जी नहीं, गुरु जी, अब तुम मेरी शिष्य हो। जो आ गया गुरु जी। मां, 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 सर, आसपास का एरिया सर्च किया, कहीं कोई सीसीटीवी नहीं है, और लोगों से पूछताछ की, तब भी इस घर में किसी आने जाने वाला का कोई क्लू नहीं मिला। तो फिर डॉग स्क्वाड को बुलाओ, अगर ये काम इसी एरिया के किसी आदमी का है तो हो सकता है कोई लीड मिले। पता करो इस एरिया में कोई चोर उचक्का या सुखेंदु से जुड़ा कोई आदमी रहता है क्या? सर, सर, कन्हैया भी इसी बस्ती में रहता है। जी, कन्हैया कहाँ है? क्या हो लो? वो तो यहाँ नहीं। मनीषा, तलाशी लो घर की। उधर देखो। सर,
और ये कैश भी। नहीं बोलेगा? बोल। साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। तो वो गहने और पैसे तेरे घर से क्यों मिले? साहब वो सुबह सुबह हम घर गया तो मालकिन को सेठ जी को मरा हुआ देखा तो मेरे मन में लालच आ गई साहब। की करूं अभी? सेठ मुझे पता था मालकिन तिजोरी की चाबी कहां रखती थी, इसीलिए सब कुछ चुरा लिया। साहब मैंने सिर्फ चोरी की, किसी को मारा नहीं है। सच सच बोल दे वरना सच गुलवाना हम जानते हैं। साहब उस बस्ती में तरुण भी तो रहता है, वो मार सकता है सेठ जी को। तो तरुण क्यों मारेगा? 3 महीने पहले सेठ जी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था चोरी के इल्जाम में। माफ करे दा सेठ जी, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। हमको नौकरी से मत निकालो। बस तरुण, अब तुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता मैं। जाओ मेरी जगह देखे और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। जाओ। फिर उसे किसी ने काम नहीं दिया, लेकिन वो 2 महीने पहले दोबारा सेठ जी के पास आया काम मांगने के लिए और गिड़गिड़ाने लगा। सेठ जी को उस पर तरस आ गया। सेठ जी, हमको हमारा गलती का एहसास हो गया सेठ जी, अब आपके पाँव पकड़ता है सेठ जी, हमको खाली एक मौका दे दो। ए, उठ, उठ। देखो हम तुमको सुपरवाइजर तो नहीं रख सकता, लेकिन हाँ अगर दिहाड़ी मजदूर करके काम करना चाहते हो तो आ सकते हो। जिस दिन आओगे 150 रुपए दूंगा। 150 रुपया? हाँ 150 रुपया। वो हाँ तो बोल दिया था लेकिन अंदर ही अंदर बहुत नफरत पालता था सेठ जी के लिए, क्योंकि सेठ जी ने उसे सुपरवाइजर से दिहाड़ी मजदूर बना दिया था। बहुत कड़वा बोलता था वो सेठ जी के बारे में। गनीमत है कि सेठ जी ने तुझे जेल नहीं भेजा और दोबारा काम पे भी रख लिया। तो क्या एहसान किया? साला हमको सुपरवाइजर से दिहाड़ी मजदूर बना दिया, हमारा मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। देखना एक न एक दिन सुकेंदु सेठ को हम उसका औकात जरूर दिखा देगा उसको। मुझे पक्का यकीन है उसी ने ही सेठ जी को मारा होगा। चोरी के इल्जाम में निकालेगा चोर ने सिर्फ हत्या की और तूने चोरी, बेवकूफ समझता है हमें? सब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। इसकी तब तक खातिरदारी करो जब तक ये सच ना बोले। ये तरुण के घर की तलाशी लो और उसको बुलाओ, और हाँ ये सुखेंदु के भाई को भी बुलाओ। सर पकड़ो सर। अरे अरे सर, अरे क्या था? क्या अरे क्या खोज रहे हैं सर? अरे कुछ नहीं। अरे चलो सर। अरे खाली दिखा रहे हो ना, क्या क्या है? अरे बताइए तो सही। हाँ सर, मैं भी सुखेंदु दादा के साथ काम करता था। ये तरुण कौन है? सुपरवाइजर था, पर सर माल के लेन देन में घपला किया तो उसे निकाल दिया था। पर सर दादा बहुत दयालु थे, जब वो गिड़गिड़ाने लगा तो उसे परमानेंट तो नहीं किया पर हाँ दाढ़ी मजदूरी पे रख लिया था। नफरत तो होगी तुझे अपने सेठ से, सुपरवाइजर से तुझे दिहाड़ी मजदूर जो बना दिया था। नफरत नहीं है साहब, हम तो उनका एहसान मानता था। सब कुछ भुलाकर सेठ जी ने हमको वापस काम दिया साहब। तो तूने घपला किया था? हाँ, लेकिन अब हम सुधर गया है साहब। सुधर गया या आपने सेठ को मार के बदला ले लिया? ना साहब, वो कन्हाई झूठा आरोप लगा रहा था साहब हम पर, हम कुछ नहीं किया साहब। तो फिर जिस रात तेरे सेठ सुखेंदु का मर्डर हुआ उस रात तू कहाँ पर था? हम अपना घर पर था साहब, चाहो तो आप हमारा पत्नी से पूछ लो। साहब वो उस दिन घर पर ही थे, वो चाहते तो चोरी कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। घर में खाने को राशन तक नहीं है, आप अगर उन्हें जेल में डाल देंगे तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? चुप हो जाओ दीदी। विशुदा, सौरभी, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर पे चलो। हमें नहीं जाना। देखो विशुदा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन अब इस हालात में, इस माहौल में तुम दोनों अकेले कैसे रहोगे इस घर में? अब इस घर में कोई नहीं है, प्लीज़ मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। मुझे मेरे हालात पे छोड़ दो, तुम जा सकते हो। <laughs>
सर, तरुण के घर से ऐसा कुछ नहीं मिला जो इन मर्डर्स में उसका हाथ होने का कोई लीड दे। ये भी साफ है कि तरुण जरूरतमंद है। अगर ये मर्डर उसने किए होते तो वो चोरी भी कर सकता था, लेकिन चोरी कनाई ने ही की। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कनाई मर्डर चार्ज से बचने के लिए तरुण को दोषी ठहरा रहा हो सकता है सर। लेकिन बहुत मानने के बाद भी कनाई ये नहीं कबूल रहा कि ये मर्डर उसने किए हैं। सर, ये भी तो हो सकता है कि कनाई ने सिर्फ चोरी की लेकिन मर्डर तरुण के बजाय किसी और ने, क्योंकि सुखेंदु बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, हो सकता है काफी दुश्मन हो उसके। लेकिन बनर्जी, हत्या सिर्फ सुखेंदु या उसकी बीवी की नहीं हुई है, उनके नौकर गणेश की भी हुई है। इस गणेश से लेकर सुखेंदु के घर वालों के सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता लगाओ सुखेंदु के परिवार में, रिश्तेदार में, व्यापार में ऐसा कौन है जिसके पास इन सबको मारने का मोटिव हो सकता है। सर, इस ट्रिपल मर्डर को सुलझाने के लिए सुखेंदु और उसके परिवार के दुश्मनों का पता लगाया जा रहा था, लेकिन वो औरत कौन थी जो काला जादू को इन हत्याओं की वजह ही नहीं मान रही थी बल्कि इन हत्याओं से खुश भी थी? क्या उस औरत का सुखेंदु के परिवार से कोई कनेक्शन था? क्या ये? देख, उस ढोंगी तांत्रिक के चक्कर में मत पड़। अब अगर नहीं रुकी ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? हाँ, अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी खड़े खड़े तो मैं भस्म कर सकती हूँ। देख शांति, अपना जीवन बर्बाद मत कर। तो ये तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता है। नहीं होता तो तुम्हारे दादा बौदी ऐसे ही मर गए क्या? हाँ, मेरा काला जादू चल गया और अब उसके परिवार की बारी है। सर, बस्ती वालों से पता चला है कि सुखेंदु के छोटे भाई देवेश की बीवी शांति सुखेंदु और उसकी बीवी से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि 2 महीने पहले देवेश के बेटे वरुण की फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत हो गई थी। तब से शांति को लगता है कि सुखेंदु की बीवी प्रोमिला ने ही उसके बेटे को जहर देके मारा था, और तब से शांति लगातार एक तांत्रिक से मिल भी रही थी। सर, कौन तांत्रिक? सर, ये तो नहीं पता कि यह तांत्रिक कौन है, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है। तूने ही मेरे माँ और बाबा की जान ली है ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मैंने ली है तेरे माँ बाबा की जान, क्योंकि मुझ में शक्तियाँ हैं और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, जला कर राख कर दूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है सर, शांति के पड़ोसी का कॉल था। जला के भस्म कर दूंगी, अरे नहीं छोड़ूंगी। शांति छोड़ दे, हटिए। कहाँ है? आइए सर, अंदर बंद करके रखा हूँ। छोड़ो नहीं, रुकिए, छोड़ो, हटिए, रास्ता दीजिए। नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको अपने काले जादू से भस्म कर दूंगी, तेरे पूरे परिवार का नाश कर दूंगी। छोड़ो मुझे, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नहीं बिगाड़ सकते। हाँ हाँ, मैंने ही काला जादू करवाया उनपे, इसीलिए उनकी हत्या हुई। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरे काले जादू ने नहीं, तूने हत्या की है उनकी। सर, जब से हमारा बेटा मरा है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। ऐसा क्या हुआ तो जो उसे लगता है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बौद्धी नहीं मारा था? 2 महीने पहले वरुण की तबीयत बहुत खराब थी। सर, हमारी बौद्धी जो है वो बहुत धार्मिक थी, वो मंदिर से वरुण के लिए प्रसाद लाई थी। देख, मैं तेरे लिए प्रसाद लाई हूँ, खा ले, जल्दी से ठीक हो जाएगा। शांति, तू चिंता मत कर, प्रसाद दिया ना मैंने, जल्दी से ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। उसके बाद वरुण को फूड पॉइजनिंग हो गया, हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। बस सर, तभी से शांति को लगता है कि बौद्धी ने वरुण को मारने के लिए टोना टोटका किया है, और सर इसीलिए वो टोना टोटका करके उनसे बदला लेने की सोच रही है। कौन से तांत्रिक के पास जाती थी वो? सर, वो हाईवे के पास उसकी कुटिया है।
मैंने जाके गुड़िया गाड़ी थी उन पापियों के आंगन में। इसीलिए वो मर गए। सर हो सकता है शांति ने अपने अपराध को टोटके का नाम देके ये गुड़िया यहाँ पर गाड़ दी हो। लेकिन ये भी समझना होगा कि तांत्रिक भागा क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं तांत्रिक ने अपने टोटके को सच साबित करने के लिए ये मर्डर किया और फरार हो गया। ये साफ था कि शांति सुकेंदु और उसके परिवार का अनर्थ चाहती थी, लेकिन तांत्रिक का फरार होना उसे भी सस्पेक्ट बना रहा था। शांति के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने की वजह से उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। पर सुकेंदु के परिवार को तबाह करने की मंशा रखने वाले और भी थे, लेकिन बुरा चाहने वालों की छटनी होनी अभी बाकी थी। पापा, बेटा, तू तो जानती है तेरी काकी कैसी है। उसने टोटका जरूर किया है, पर बेटा मारने वाला कोई और है। लेकिन वो कौन है काका? सर, सुकेंदु, उसकी बीवी प्रोमिला और गणेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुकेंदु की हत्या से 2 घंटे पहले गणेश और प्रोमिला की हत्या हो चुकी थी। यानी कि प्रोमिला और गणेश की हत्या के बाद हत्यारा 2 घंटे तक सुकेंदु के आने का इंतजार करता रहा। मर्डर का टाइम? सर, गणेश और प्रोमिला की हत्या रात 11 से 12 बजे के बीच हुई और रात 11 बजे तक सुकेंदु की फोन की लोकेशन शादी के वेन्यू की थी और ठीक 12:30 बजे तक सुकेंदु का फोन हीरापुर एरिया में एक्टिव था। सर, पता चला है सुकेंदु का एक छोटा भाई भी है। रात 12:30 बजे तक सुकेंदु का फोन जिस एरिया में एक्टिव था उस एरिया में उसके भाई का एक आश्रम है। आश्रम? वो सन्यासी है सर, भगवान की तरह पूछते हैं लोगों से, बिजोय बाबा के नाम से जानते हैं। ये देखिए सर, सर उस तांत्रिक की कुटिया उसके आश्रम से ज्यादा दूर नहीं। बनर्जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बिजोय बाबा का इस तांत्रिक के साथ कोई कनेक्शन हो? लेकिन सर, तांत्रिक के कॉल रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन सर हो भी सकता है। सर, बिजोय बाबा की ये बात भी अजीब है, उनके भाई और बौद्धी को मरे 3 दिन हो गए लेकिन वो उन्हें देखने तक नहीं आए। बाहर पुलिस आई है। पुलिस? एक काम करो, उनको बाहर ही रोको, मैं आता हूं। जी साहब, काफी लोग आते हैं यहाँ पे। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। विजय बाबा से मिलना है जी। वो तो अभी नहीं मिल सकते, वो अभी ध्यान में, और उन्होंने किसी को भी मिलने से मना किया। आपका परिचय? पापोन जी, मैं उनका शिष्य हूँ। फिर कब मुलाकात होगी उनसे? वो जैसे ही ध्यान से बाहर आएंगे उनसे पूछ के आपको सूचित कर दूंगा। उस बिजॉय बाबा की हमसे ना मिलने की वजह ध्यान ही है या फिर कुछ और है? इस बिजॉय बाबा को समझना पड़ेगा। देवेश को बुलाओ, हो सकता है अपने भाई के बारे में वही कुछ बताए। सर, बिजॉय भले ही सुकेंदु दादा से छोटा था पर दादा उसे अपना गुरु मानते थे। बिजॉय बचपन से ही धार्मिक था। वो जब 19 साल का था तो उत्तराखंड चला गया और सर जब 6-7 साल के बाद वापस आया तो संन्यास धारण कर चुका था। और सर, उसे आश्रम बनाने के लिए जमीन दादा नहीं दी थी। हमने सुना है सुकेंदु ने आपके लिए भी काफी कुछ किया था, लेकिन आप पिछले 2 महीने से उसके यहाँ काम नहीं कर रहे थे। हाँ सर, वो अपनी बीवी की वजह से। सर, उसने मुझसे जिद की कि मैं दादा और बहुदी से कोई संबंध ना रखूं। और सर, इस बात से दादा और बहुदी भी बहुत दुखी थे। एक तरफ ये तांत्रिक की चेली शांति, दूसरी तरफ ये बिजॉय बाबा। सुकेंदु परिवार के हर सदस्य की कोई ना कोई कहानी है। सर, इन हत्याओं का मोटिव किसी न किसी घरवाले से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि पैसा और जायदाद तो सिर्फ सुकेंदु ने बनाया, बाकी सब लोग तो उनके आगे पीछे घूमने वाले ही लगते हैं। ये सुकेंदु के पूरे परिवार की हिस्ट्री निकालो, सुकेंदु के बिजनेस का भी एंगल इन्वेस्टिगेट करो, हो सकता है उसके काम से ही जुड़े किसी आदमी ने सुकेंदु से दुश्मनी निकाली हो। सर,
तांत्रिक का गायब होना अब भी रहस्य बना हुआ था और वहीं ये भी खंगाला जा रहा था कि कहीं सुकेंदु और उसके परिवार से रंजिश निकालने वाला उसके कामकाज से जुड़ा कोई शख्स तो नहीं था और सुकेंदु के पारिवारिक मसलों को भी इस अपराध से जोड़कर देखा जा रहा था। सर, हत्या से थोड़े दिन पहले सुकेंदु अपनी बेटी विशुदा को उसके पति के घर से ले आया था। वो चाहता था कि उसकी बेटी अपने पति नोरेन को तलाक दे दे। इस सिलसिले में वो एक वकील से भी मिल रहा था। सर, नोरेन मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर करता था क्योंकि मैं उसे बच्चा नहीं दे पाई। पहले तो बाबा ने नोरेन को एक मौका दिया, लेकिन फिर एक दिन अचानक मुझे घर ले आए और बोले कि मैं नोरेन से तलाक दिलवा दूंगा। नहीं सर, मैं वसुधा श्री में खुद से अपसेट था। अब मियाँ बीवी के बीच में अगर बच्चा ना हो तो थोड़ी बहुत तो खिटपिट होती रहती है सर, लेकिन उसी बात का बाबा ने बतंगड़ बना दिया और विशुदा को घर से ले गए। मैं तो सिर्फ उसको अपने लाइफ में वापस लाना चाहता था, अपने घर में वापस लाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और इसी नफरत में तुमने उन लोगों को मार दिया। नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं थोड़ा अपसेट था, लेकिन उनसे नफरत थोड़ी करता था। सुकेंदु के दोनों भाई बिजॉय और देवेश की पत्नी शांति के बाद अब सुकेंदु के दामाद नरेन पर भी नजर रखी जा रही थी और बहुत जल्द सुकेंदु की छोटी बेटी शक के घेरे में आने वाली थी। शिरोबी, पापा उनसे मिलने जा रही हो तुम? जब आप जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? बाबा ने मना किया था ना तुमको पापा उनसे मिलने के लिए? हाँ, वो नहीं रहे तो कम से कम उनकी कही हुई बात का तो मान रख लो। देखो दीदी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं, ठीक है? दीदी पैसे? मुझसे पैसे मांगेगा तू? अगर मुझसे पैसे मांगे ना तो काला जादू करके भस्म कर दूंगी तुझे। मेरी ताकत को जानता नहीं है तू। सर, नोरेन को भूमि होटल के पास एक लड़की के साथ देखा गया। कौन लड़की? ये तो नहीं पता लगा, लेकिन हो सकता है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो और इसी वजह से सुकेंदु विशुदा को लेकर आया होगा। लेकिन विशुदा ने ये बात हमें पहले बताई क्यों नहीं? अगर नोरेन का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसका सुकेंदु और उसकी बीवी को मारने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है? सर, मोटिव का तो पता नहीं, लेकिन विशुदा की छोटी बहन सुरोबी का एक झूठ सामने आया है। सर, हमें बताया गया था कि जिस रात मर्डर हुआ उस समय सुरोबी कोलकाता में थी। एक छोटी भी है सुरोबी, वो कोलकाता में। लेकिन सुरोबी के फोन की लोकेशन के हिसाब से वो आसनसोल में ही थी और उसकी एक नंबर पे लगातार बात हो रही थी और इन दोनों फोन की लोकेशन आसनसोल की ही थी। पता करो कहीं वो नंबर नोरेन का तो नहीं है। सर, शांति, ये सब नहीं होगा मुझसे। एक बार कहा ना, करना पड़ेगा, मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है। क्या हो गया है तुम्हें? मेरी समझ से तो बाहर होती जा रही हो तुम। लेक्चर मत दो, जितना कहा है उतना करो। सर, ये नोरेन का नाजायज रिश्ता नहीं, कुछ और ही लगता है। रोज नई नई लड़कियों के साथ दिखता है और एक हैरानी की बात पता चली है कि ये नोरेन और बिजॉय बाबा के बीच में अक्सर बहुत बातें होती हैं, लेकिन सुरोबी जिस नंबर पर कॉल करती है वो नंबर नोरेन नहीं बल्कि पापोन के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये पापोन कौन है? बिजॉय बाबा का शिष्य है। सर, पता चला है कि सुरोबी का आश्रम में बहुत आना जाना है। आपकी बहन सुरोबी घर पे है? वो तो काम से बाहर गई हुई है। पापोन को जानती हैं आप? वो सुरोबी पापोन से प्यार करती है साहब। पहले तो बाबा को पापोन से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले बाबा ने सुरोबी को पापोन से मिलने के लिए मना कर दिया। सुरोबी, संदेश ना, चुप। के देखो, लाभ नहीं सुरोबी, रोने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुमसे कहा है तुम पापोन से नहीं मिलोगी, मतलब नहीं मिलोगी, समझी ना तुम? ऐसी क्या वजह थी जो तुम्हारे बाबा ने सुरोबी को पापोन से मिलने से मना कर दिया? वो तो उन्होंने कभी नहीं बताया साहब। तुम्हारे बाबा उस रात आश्रम में क्यों गए थे? वो तो अक्सर वहाँ जाते थे, लेकिन कभी रात को नहीं गए और ये बात हमें भी नहीं समझ में आया। तुम्हारे पति नोरेन की बिजॉय बाबा से बहुत बातचीत होती है। बिजॉय चाचा को नोरेन बचपन से जानता है, उनका अच्छा दोस्त है, तभी हम में प्यार हुआ, लेकिन हमारा रिश्ता निभ नहीं सका। बैनर्जी, पापोन और सुरोबी से मिलने से पहले इस बिजॉय बाबा से मिलना पड़ेगा।
फिर अब चाहे वो किसी ध्यान में हो या किसी मुद्रा में। सर आप कहाँ जा रहे हैं? विजय बाबा जी से मिलना है। सर गुरुजी ध्यान में है, वो आपसे नहीं मिल सकते। तोड़ दो उनका ध्यान। सर गुरुजी का ध्यान ऐसे नहीं टूट सकता। तो हम तोड़ देते हैं उनका ध्यान। रुकिए। आ रहा हूं मैं। उस रात सुखेंदु आपके आश्रम में आए थे? जी हाँ आए थे। तकरीबन 12-12.5 बजे तक थे, बाद में चले गए। इतनी रात को उनके यहाँ आने की वजह? उन्हें कुछ तनाव था, उनके लिए पूजा करवानी थी। कैसा तनाव? सांसारिक तनाव। हालांकि मैंने उन्हें समझाया कि गृहस्थाश्रम है तो तनाव तो होना ही है, लेकिन फिर भी उनकी मन की शांति करने के लिए मैंने यज्ञ करवाया और बाद में वो चले गए। और आपके यज्ञ के बाद वो अपने घर गए जहां उनका मर्डर हो गया। क्या कनेक्शन है आपके यज्ञ और उनके मर्डर के बीच में? अभी मैं कैसे बताऊं सर। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर अफसोस तो हुआ ही होगा। मैंने संसार की मोह माया का त्याग किया है। मेरे लिए हर मानव एक समान है। जैसे आप हो वैसे ही मेरा भाई, वैसे ही ये सब अन्य। और जनन मरण तो संसार का नियम है, उसे भला कौन टाल सकता है। आपके भाई अपनी मौत नहीं मरे हैं, मर्डर हुआ उनका। बैनर्जी, इसे जानते हैं आप? जी नहीं, है तो कोई तांत्रिक लगता है। मेरा संपर्क तो साधु संतों से है, ऐसे तांत्रिकों से नहीं। सर मुझे नहीं लगता सुखेंदु को कामकाज का कोई तनाव होगा। मैंने उसका अकाउंट चेक किया, उसका काम तो काफी अच्छा चल रहा था। ये सुखेंदु उस रात घर से शादी के लिए निकला था, फिर अचानक शादी छोड़कर आश्रम जाने की क्या वजह हो सकती है उसकी? सर नौरेन लड़कियां, आश्रम और विजय बाबा, कहीं ये एंगल प्रोस्टिट्यूशन से तो नहीं जुड़ा? ये नौरेन जिन जिन भी लड़कियों के साथ देखा गया है, पता करो उन लड़कियों का आश्रम या विजय बाबा से क्या कनेक्शन है। और ये श्रोभी और पापोन को भी बुलाओ। ये हत्या वाली रात उनके आसनसोल में होने का क्या राज है, ये हमारे लिए पता करना बहुत जरूरी है। सर शांति का पति देवेश आया है, बोला शांति नहीं मिल रही है। सर मेरी बीवी शांति आधी रात को पता नहीं कहाँ चली गई। सर बहुत ढूंढा मैंने उसे पर कहीं नहीं मिल रही। शांति का गायब होना किसी नए अपराध का अंदेशा था या किए गए अपराध से बचने की कोशिश? शांति की तलाश के साथ साथ सुखेंदु का दामाद भी नजर में था, और बहुत जल्द सुखेंदु के छोटे भाई विजय का नया किरदार भी सामने आने वाला था। लेकिन पहले सुखेंदु की छोटी बेटी सुरभि की भूमिका को खंगाला जा रहा था। तो तुम आश्रम में पापोन से मिलने जाती थी? सर मैं प्यार करती हूँ पापोन से। और तुम्हारे बाबा खिलाफ थे इस रिश्ते के, और हत्या वाली रात तुम कोलकाता में नहीं थी, तो क्या समझा जाए? हाँ सर, उस रात मैं पापोन के साथ थी और मैंने बाबा से भी झूठ बोला। तुमने सिर्फ झूठ ही बोला या फिर उनको मार भी दिया? क्योंकि वो तुम्हें पापोन से मिलने नहीं देते थे इसलिए। नहीं नहीं सर, मैंने नहीं मारा बाबा को। तो सुखेंदु सुरभि को तुमसे मिलने से मना क्यों करता था? क्योंकि सुखेंदु को यह लगता था कि आश्रम की आड़ में विजय और नौरेन प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन? अब नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस ने जब विजय का इतिहास खंगाला तो आश्रम की आड़ में चल रहे प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का पर्दाफाश हो गया। विजय और नरेन समेत आश्रम से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, और अब ये जानने की कोशिश हो रही थी कि सुखेंदु, प्रमिला और सर्वेंट गणेश की हत्या कहीं इसलिए तो नहीं हुई थी क्योंकि सुखेंदु विजय के आश्रम का ये राज जान गया था। हमें तुम पे पहले से ही शक था, लेकिन जब हमें ये पता चला कि तुमने 6-7 साल किसी गुरुकुल में नहीं बल्कि नासिक की जेल में बिताए थे, तो हमारा शक यकीन में बदल गया। जी सर मैं जेल में था, लेकिन जब मैं जेल से छूटा तो सुखेंदु दास से मैंने झूठ बोला कि मैं मुक्त हो गया हूँ, आध्यात्मिक हो गया। उनका विश्वास मेरे ऊपर था तो उन्होंने आश्रम बनवाने के लिए जमीन दे दी और फंड्स भी दिए। और सुखेंदु को तुम दोनों की असलियत पता चल गई? क्यों? मेरी बेटी को बांझ कहता है तू? शर्म नहीं आती तुझे? अरे तो खुद क्या है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम्हें। और विजय तू कितना भरोसा किया था तुझ पर, सोचा था एक अच्छे काम के लिए ये जमीन ये सब कुछ दे रहा हूं तुझे, लेकिन तूने तो छी 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 छी। सुखेंदु दा ने हमें एक्सपोज करने की ठान ली थी सर, हमने मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं माने। उन्होंने कहा कि आश्रम की जमीन उन्हें तुरंत वापस चाहिए। हमने मनाने की बहुत कोशिश की सर, कहा ये सब छोड़ देंगे, जमीन वापस कर देंगे। और हमने सुखेंदु दा को मारने का प्लान बनाया साहब, और जमीन के कागजात वापस देने के बहाने उस रात उनको आश्रम में बुला लिया। हम लोग उन्हें मारने ही वाले थे साहब कि अचानक बौद्धि का फोन आ गया।
हाँ प्रमिला बोलो, मैं इधर आश्रम में आया हूँ, बोलो। और बौद्धिक उन्होंने बताया कि वो हमारे साथ आश्रम में है, इसलिए उस रात हमने उन्हें नहीं मारा साहब, सोचा किसी और दिन मारेंगे। तुम बोलोगे और हम मान लेंगे। नहीं साहब, हमने नहीं मरवाया, हमारा विश्वास करो साहब। तुमने ही उन्हें मरवाया और मोरा बनाया तांत्रिक को, और अब शांति को गायब कर दिया क्योंकि तुम्हें यह लगता था कि तुम शांति की वजह से फंस सकते हो। नहीं साहब, हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते साहब, ना किसी से कोई ताल्लुक है। बैनर्जी, ये ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, तोड़ाई करोगे। विजय और नरेन ने यह तो स्वीकारा कि वो सुकेंदु की हत्या करने का प्लान बना चुके थे, लेकिन वो अपनी इस बात पर भी अड़े रहे कि सुकेंदु, प्रमिला और सर्वेंट गणेश की हत्या उनकी प्लानिंग के तहत नहीं हुई थी। तो फिर ये हत्याएं किसकी प्लानिंग से हुई थी? शांति कहां गायब थी और उस तांत्रिक के फरार होने का क्या रहस्य था? पुलिस इन सवालों के तार जोड़ रही थी और जल्द ही उन्हें तांत्रिक से जुड़ी एक अहम इंफॉर्मेशन मिली। चलो बाबा, चलो। बता। साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब, साहब मैं डर गया था इसलिए साहब मैं वहां से भाग गया। शांति कहां है? मुझे नहीं पता साहब। शांति ये बात जानती थी ना कि तू कहां छिपा है? हाँ साहब जानती थी, लेकिन साहब मैं उसे क्यों गायब करूंगा साहब? जरूर उसके पति ने ही कुछ किया होगा। उसका पति क्यों गायब करेगा? क्योंकि साहब उसने मुझे शांति के साथ देख लिया था साहब। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो गुरुजी, मेरी शक्ति आगे नहीं बढ़ रही है। एक युक्ति सुझाता हूँ, लेकिन धन लाई हो क्या? जी गुरुजी। ए, ये क्या कर रही तू? मेरे पैसे लुटवा रही है और तू? हाँ। तुझे तो आज पुलिस में दूंगा। चल साहब, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ था, मैं तो साहब वहां से भाग गया था। तुम्हारी चुप्पी साफ साफ बता रही है कि तुम्हीं ने शांति को मारा है। अरे छोड़ दो मेरे गुरु को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे गुरु को, मेरे गुरु को मार दो, मेरे गुरु को, मेरे गुरु को मार रहे हैं। और मेरे हाथों उसका खून हो गया, फिर मैंने उसकी लाश वहीं गाड़ दी और मिसिंग रिपोर्ट लिखा थी उसकी। वो औरत अपने आपे से बाहर हो गई थी, मेरे दादा के परिवार को खत्म करना चाहती थी, अजीब अजीब तरह की साधनाएं करती थी, तंग आ गया था उससे। शांति को तो तुमने मारा ही, अपने भाई बहुत ही गणेश को भी तुमने मारा। नहीं नहीं सर, उन्हें मैंने नहीं मारा। सर मुझे लगता है ये मर्डर तांत्रिक नहीं किए होंगे, और शांति से वो गुड़िया भी उसने ही कड़वाई होगी, और सुकेंदु के बंगले में वो जरूर शांति के साथ या शांति के जाने के बाद वहां गया होगा। मानता हूँ साहब मैं शांति के साथ गया था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा साहब। तू शांति के साथ नहीं गया था, शांति के जाने के बाद गया था, अपना काला जादू सच साबित करने के लिए तूने ही उन तीनों का मर्डर किया। नहीं नहीं साहब, मैं शांति के साथ ही गया था, लेकिन बंगले में नहीं घुसा साहब। जा उस खंभे के नीचे, जल्दी से काढ़ा, जा जल्दी जा। सब उसके बाद मैं दीवार के पीछे छुप गया, मैंने देखा कि कंबल ओढ़े एक आदमी बंगले के अंदर जा रहा था। साहब मर्डर उसी ने किया होगा साहब। कौन था वो? साहब अंधेरा बहुत था इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया साहब। सर अगर तांत्रिक सच बोल रहा है तो कौन हो सकता है वो? कनाई? वो कनाई है या कोई और, होगा उसी बस्ती का, लेकिन ऐसे कोई नहीं बताएगा, सच उगलवाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, जो जो लोग भी अपने रडार पे हैं सबसे अच्छी तरह से दोबारा पूछताछ करते हैं। सर सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि तुम ही वहां कमरे में घुसे थे। सर मैं नहीं गया था वो। तुम्हारा ही चेहरा था उसमें सीसीटीवी फुटेज में, तू ही था ना? मैं नहीं था सर। देख सच सच बोल। पुलिस अब एक रणनीति के तहत सभी सस्पेक्ट्स को दोबारा से इंटेरोगेट कर रही थी, सबके चेहरे पड़े जा रहे थे। नियत में खोट तो सबके थी, लेकिन हत्या किसने की थी ये कोई नहीं उगल रहा था। अगर तू नहीं तो उस सीसीटीवी फुटेज में तेरा भूत है क्या जो तेरे सेठ के घर में कंबल ओढ़ के घुस रहा है? सीसीटीवी देखता रहूं, तेरा भांडा फूट चुका है, हमें पता चल चुका है कि तूने ही अपने मालिक मालकिन और गणेश का कत्ल किया है। साहब हम तो हम नहीं साहब। बैनर्जी उगलवाओ से सच। देखता रहूं, जब तक तू सच नहीं बोलेगा इसी तरह पिटता रहेगा। बोल। सेठ जी, सेठ जी बोलो। सेठ जी
हमारा पत्नी का डिलीवरी है सेठ जी, तो 10,000 रुपया उधार दे सकते हैं? मैं तो दे दूंगा उधारी, लेकिन तू चुकाएगा कैसे? आप हमारे तिहाड़ी में से थोड़ा थोड़ा काट लीजिएगा सेठ जी। तेरा दिहाड़ी है 150 रुपया, तेरी औकात नहीं है उधारी चुकाने की, जा। साहब इतना कमाता था, 10,000 रुपया क्या बड़ा बात था उसके लिए, लेकिन उसने साहब आपको नीचा दिखाया, तभी हमने सोचा था उसका घर में हम चोरी करेगा। हमको पता था साहब कि वो उसका पत्नी और उसका बेटी शादी में बाहर गया हुआ है और घर में गणेश अकेला होगा। तरुण तुम? अरे दादा नींद नहीं आ रहा था ना, तो सोचा आपके पास समय बिताता हूँ। सेठ जी घर पे नहीं, बाद में आना। अरे गणेश दादा की बोलते हो, चलो सेठ जी घर पे नहीं, बाद में आना। अरे दादा अरे तरुण, गणेश दादा हमको नहीं पता था मालकिन घर में थी, हमको उसको भी मारना पड़ा। पैसा नहीं दे रहा था ना, इन दोनों को दिया है। hey! अब तेरे को देता। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन अपने जाल में फंस ही जाता है। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है हमारे पास। हाँ, और तुझे क्या लगता है तेरे सेठ ने तुझे चोरी करते पकड़ के तुझे बेइज्जत किया था? नहीं, उल्टा तेरे सेठ ने तेरे पे तरस खा के अपने यहां तुझे दिहाड़ी मजदूर बनाया। इतना ही नहीं बल्कि तेरी बीवी की डिलीवरी के लिए उसने 10,000 रुपए भी छोड़े थे। कनाई ने जो तेरे सेठ के यहां से गहने और नकदी चुराए थे, हमने उसके घर से बरामद किए और उसी सामान में हमें एक लिफाफा मिला जिस लिफाफे के अंदर 10,000 रुपए थे, जो शायद तेरे सेठ ने तेरी बीवी की डिलीवरी के लिए छोड़े होंगे। एक पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, लेकिन तरुण ने अपराध की शुरुआत हेरा फेरी से की और जब उसने चोरी की योजना बनाई तो एक नहीं तीन तीन हत्याएं कर बैठा। अपराध की गिनती चाहे सीधी हो या उल्टी, जो खुद को अपराध में झोंक देते हैं उनका अंत ऐसा ही होता है जैसा अंधविश्वास में अपने आप को झोंक कर शांति का हुआ। कहते हैं कि जहां रोशनी होती है वहां अंधेरे का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन जो आंखें मूंद कर चलते हैं उन्हें गिरने से कोई नहीं बचा सकता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.